नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल और न्यूज रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टिन ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान काफी लंबी चर्चा चली। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की खास समृद्धियां देख करके उन्हें सम्मानित किया। विश्व थोक विक्रेता संघ का सम्मेलन 10 अक्टूबर से गुरुग्राम में होने वाले विश्व थोक विक्रेता संघ के 3 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में कृषि मंत्री ओम पी धनखड़ ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह व समापन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में होगा। हरियाणा में वर्ष 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होगी खत्म। लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि लंबे अरसे से विवादों में रहे लगभग 135 किलोमीटर लंबे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य न केवल आरंभ करवाया गया बल्कि इसे 4 से 6 मार्गी बनाने का निर्णय लिया करके एक एक्सप्रेस वे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहचान दिलाई है। गांव में सीवरेज सुविधा प्रदान करवाने का मुख्य लक्ष्य। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि राज्य में थर्मल प्लांट्स, उद्योगों, कृषि, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में यहां पर बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है, इसलिए यहां रियूज ट्रीटमेंट वाटर की आपूर्ति की जाएगी जिसमें पीने के पानी की बचत होगी। इस योजना के लिए जल्द ही रियूज ट्रीटमेंट वाटर पॉलिसी तैयार कर इसे अमल में लाया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल बुधवार को चंडीगढ़ में एक राज्य ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को सफल बनाने हेतु प्रयास पर आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महासंघ महाग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गांव में सीवरेज सुविधा प्रदान करवाना मुख्य लक्ष्य होगा। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की अस्थायी मान्यता का 1 साल के लिए बढ़ी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 3200 प्राइवेट स्कूलों की अस्थायी मान्यता व अनुमति 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी है। बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मुलाकात की। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि राज्य के करीब 3200 प्राइवेट स्कूलों का बिना अस्थायी मान्यता प्राप्त व अनुमति का मामला चला आ रहा था। उनकी अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों व प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है जिसमें इन स्कूलों की अस्थायी मान्यता 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने पर सरकार की सहमति दे दी है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 20% करने का लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिस पर कार्य करते हुए अगले वर्ष तक और अधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित शौर्य सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 6% थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर के 8.5% किया है जिसे आने वाले समय में और 20% तक बढ़ाई जाएगी। सभी निगमों की कार्रवाई तेज करने के किए जाएंगे प्रयास। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की ओर से सभी निगमों की कार्रवाई तथा लेखे जोखे का अवलोकन किया जाएगा। इसी संदर्भ में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष डॉक्टर कमल गुप्ता ने HBPI के उपाध्यक्ष ललित बत्रा के साथ में कुछ निगमों के 4 चरणों की मीटिंग ली। ज्यादातर निगमों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपने नियम के स्थिति सुधारने की बात कही। इसी प्रकार के से दिनांक 4 से 5 सितंबर को बाकी कॉरपोरेशन की मीटिंग निहित कर दी गई है।